नमस्कार दोस्तों, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड प्रॉफिटेबल दीपावली। ओके, आज मैंने जैसे कि आपको कमिटमेंट किया था कि मैं पूरा सेटअप दिखाऊंगा, इस सेटअप मैं आपको सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस सेटअप के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, ये बजट में है, सस्ता सेटअप है एंड असरदार भी है। ये नहीं कि हर चीज महंगी होनी चाहिए, कम पैसों में भी आप क्वालिटी चीजें खरीद सकते हो, वही मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो लैपटॉप मेरा लिनोवो का है, SSD प्रोसेसर है। नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, लगभग 8:30 के आसपास मैं नाश्ता कर लेता हूँ एंड उसके बाद 9 बजे क्या या 8:45 को यहाँ सिस्टम में मैं बैठता हूँ। उस समय इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो कुछ ही सेकंडों में ये चालू हो जाता है लैपटॉप। तो ये इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि मैं मुझे जल्दी लैपटॉप रेडी हो गया तो मेरा टाइम सेव होता है, तो ये फास्ट है। उसके बाद स्पीड रैम से गिनी जाती है, तो इसका 12 GB रैम है जो कि वेरी फास्ट है। ओके, अगर मैं एंड इसके साथ फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी है जो कि मुझे हेल्प करता है कि फास्ट कनेक्शन के लिए, वेबिनार्स के लिए, ताकि इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 2-3 मोबाइल रखे हैं मैंने, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग इंटरनेट है एंड यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए भी मुझे हेल्प होता है। ओके, तो ये नया मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है जिसका कि लगभग 108 मेगापिक्सल का बैक का कैमरा है एंड फ्रंट का भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। रियलमी का 5G मोबाइल है। कीबोर्ड है जो कि वायरलेस है, फिंगर्स का कीबोर्ड है, तो ये यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या होता है, कंफर्टेबल मिलता है हर जगह। टेबल के ऊपर आप अगर देखते हैं तो कुशनिंग के लिए एंड पहले मुझे कोई कमेंट करते थे कि सर इको आ रहा था, तो इको के लिए मैंने EPE सीट लगा के रखा है जो कि आप नॉइज कम करता है एंड जो आवाज़ आती है मेरी वो क्लियर आपके पास पहुंच सकती है। ओके, तो इसके बाद जो माउस है वो एक ही माउस से ऑपरेट करता हूँ, फिंगर्स का माउस है सिंपल। यहाँ लैपटॉप से HDMI का कनेक्शन है एंड इसमें एक सेटिंग है, मैं सेटिंग भी बता दूंगा। वो एक्सटेंशन मतलब एक ही लैपटॉप है, स्क्रीन अलग अलग है, तो इसको अलग चार्ज कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक छोटा बड़ा सा स्क्रीन ले लो, 55 इंचेस का स्क्रीन है, इतना बड़ा आपको भी लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है इसके साथ छोटा भी 22 इंचेस का भी स्क्रीन मिलता है, वो भी 4-5 हज़ार रुपये मिलता है। ये स्क्रीन लगभग मैंने क्रोमा से खरीदा है, टाटा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, एक ही माउस से ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक ही माउस से यहाँ पे भी ऑपरेट कर रहा हूँ, सेम माउस है। यहाँ पे मुझे चाहिए तो मान लो मुझे YouTube ओपन करना है तो ट्रेडिंग डायरेक्शन का यूट्यूब चैनल मैं यहाँ ओपन कर सकता हूँ और इसी को मुझे उधर लेके जाना है, तो ये देखो मैं एक ही माउस से इधर यूट्यूब चैनल का जो टैब है वो लेके गया हूँ। ये बड़े स्क्रीन का क्या फ़ायदा है, मैंने प्रीमियम वर्शन लिया है, जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्शन होता है वो लिया है, तभी मुझे 2 स्क्रीन दिख रहे हैं। तो आपको कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसका भी मैं यहाँ पे आपको एक सेटअप बताऊँगा, वो आपको फैसिलिटी देगा कि एक ही आप स्क्रीन पे 2 चार्ट देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे दिखता है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखता है। दोनों से क्या होता है कि कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर सभी कंपोनेंट्स के चार्ट देखने चाहिए क्या। देखो, मैं तो देखता नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप 7-8 बैंक होते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, 2 बैंक ऊपर जा रहे हैं 2 बैंक नीचे जा रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और ट्रेड नहीं लोगे। तो हर बार ऐसा होता है कि सभी बैंक ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो एंड जाएंगे तो भी आपको वो मौका कम मिलेगा, ज़्यादातर लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए वो बढ़िया सेटअप हो सकता है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का चार्ट देखता हूँ, सिंपल है। दोनों अगर बुलिश है तो क्या होता है, दोनों के जो कंपोनेंट होते हैं HDFC बैंक वो भी निफ्टी को हिलाता है एंड वो भी बैंक निफ्टी को हिलाता है। तो अगर निफ्टी भी बुलिश है एंड बैंक निफ्टी भी बुलिश है, इसका मतलब CPR के ऊपर है, तो मैं बुलिश ट्रेड लेता हूँ। तो ये स्क्रीन देख के मैं जो डिसीजन होता है यहाँ पे लेता हूँ एंड जो ट्रेड होता है लैपटॉप में लेता हूँ। मेरे सामने स्क्रीन होता है, मेरा कंफर्टेबल चेयर है, इसके भी बारे में बताऊँगा कि ये इसके फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, कभी कभी मोबाइल से भी ट्रेड लेता हूँ, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके भी
ट्रेडिंग के लिए कुछ बोलते हैं तो भी मेरे पास दो तीन मोबाइल है, उससे मैं ऑपरेट करता हूँ। उसके साथ जो कैमरा है, मेरा कैमरा लॉजिटेक का है C22। इसका एक फ़ायदा है कि इसके साथ स्टैंड भी दिया है एंड क्लैरिटी जो है वो बढ़िया आती है। आप हमेशा देखते हैं उस लॉजिटेक का कैमरा है, लगभग ये 10,000 का कैमरा आता है एंड वो बढ़िया कैमरा है। ओके, तो माइक यहाँ पे दूसरा माइक है जो नॉइजलेस माइक है, वो अगर कोई शोर है तो वो नॉइज कम कर देता है। एंड मेरे पास दूसरा एक माइक है जो बोया BY-M1 है, वो कि मैं मोबाइल को यू लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो यहाँ पे दिख रहा है वो बोया BY-M1 माइक है एंड एक स्टैंड है सिंपल सा, एंड जो शूटिंग हो रहा है वो कैमरा यानी कि मोबाइल से है। मेरा मोबाइल है M51 जो कि सैमसंग का है एंड वो बेस्ट सेलिंग मोबाइल है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड फ्रंट का कैमरा भी लगभग 12 मेगापिक्सल का है, तो वो क्लैरिटी अच्छी देती है, तो इससे मैं फ़ोटो शूटिंग करता हूँ। ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ हमारे YouTube चैनल में कमेंट किया था कि सर इको आ रहा था, तो इको कम करने के लिए मैंने EPE शीट लगा के रखा है चारों साइड, जो कि सस्ता है। EPE शीट लगाएंगे तो उससे क्या होता है, आवाज़ कम इको नहीं आता। इको यानी कि दोबारा आवाज़ जो आता था पहले, अगर पुराने वीडियोस देखते थे तो उसमें आता था, इसमें आवाज़ नहीं आता है। तो आज लक्ष्मी माता की पूजा है, तो माँ लक्ष्मी माता हम पे ऐसे ही कृपा करते रहे। आज मैंने पूजा किया है एंड आज रात को बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, तो ये पूजा है जस्ट लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहे। तो ये लक्ष्मी माँ जी का फोटो रखा हूँ एंड भगवद गीता भी मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप अप्राप्य मां निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। तो भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में ये कहा है कि हे पार्थ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये ट्रेडिंग भी एक युद्ध है। अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है, अश्रद्धाना मतलब खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम मृत्यु संसार वर्तमनी यानी कि इसी संसार में उलझते रहते हो। तो सबसे बड़ा साइकोलॉजी का जो गुरु है वर्ल्ड में, वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर आपकी साइकोलॉजी सुधारनी है तो यही किताब या भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमारा किताब भी है हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक ही टेबल है जो बड़ा टेबल है एंड इसी टेबल पे मेरा सब रहता है जो आइटम है। दूसरा जो भी एक्स्ट्रा आइटम रहता है मैं दूसरे टेबल पे रखता हूँ, ताकि मेरे इस टेबल पे ज़्यादा कुछ आइटम ना रहे। अभी आज दिवाली है तो ये पूजा करके रखा हूँ मैं। एंड ये क्या होता है कि आप हर चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आँखों का प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, अभी तो मुझे कोई नंबर्स नहीं है। ये सिर्फ एंटी ग्लेयर ग्लास है, ताकि जो लाइट है वो जो लैपटॉप पे बार बार देखता हूँ उससे ब्लू जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, इससे मेरे आँखों को तकलीफ नहीं होती है। तो ये सेफ्टी है सिर्फ, ये कोई मुझे नंबर नहीं है। आप कभी देखते हैं तो रोशनी है, क्योंकि क्या होता है कि फेस पे लाइट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ऊपर लाइट LED लाइट लगाया है और लाल कलर के लाइट, उससे क्या है पूरे रूम में रोशनी बनी हुई रहती है। तो उससे क्या होता है, आप जब भी देखते हैं तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। तो हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर होते हैं उनको क्वालिटी वीडियोस मिलने में मदद होती है। अगर चेयर की बात करें, ये एर्गोनॉमिक चेयर है एंड ये मुझे हेल्प करता है हेडरेस्ट के लिए, कंफर्ट के लिए। ये सभी एडजस्टेबल है, जो हैंड के स्टैंड होते हैं ये भी एडजस्टेबल है। मेरे कंफर्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसका जो हाइट है वो भी कम ज़्यादा होता है, जैसे कि मैं इसको हाइट कम कर सकता हूँ। एंड कभी क्या होता है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे बैठना इंतज़ार करना पसंद है, तो यहाँ पे ऐसे अगर वेट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा थकान महसूस नहीं होता है एंड आसानी से मैं यहाँ पे ट्रेड ऑपरेट कर सकता हूँ। तो क्या होता है, हर बार कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। एंड ये सस्ता चेयर है, जो आप बहुत फैशन वाले चेयर देखते हैं वो आपको कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जो बैठते हैं आप, जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट होना जरूरी है, हेडरेस्ट को जरूरी है, मतलब आपकी जो अर्गोनॉमी है, यही चेयर प्रिफर करते हैं। ये चेयर बहुत सस्ती भी आती है, 4 से 5 हज़ार आपके बजट में आ जाएगी।